हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। आज का वीडियो काफ़ी डिमांडिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो बच्चे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं और या कोई जो सर्च कर रहे हो अच्छे कॉलेज के बारे में, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है CFU के ऊपर, क्योंकि इसमें काफ़ी मिथ है। और इस वीडियो में मैं एक्चुअल फ़ी और कितने में एडमिशन पॉसिबल है, मैक्सिमम कितने लगते हैं, वो मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको काफ़ी मदद हो जाएगी। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस के साथ साथ इनके पासिंग परसेंटेज काफ़ी हाई है, तो सोच ही सकते हो क्यों फेमस है, और ये बजट फ्रेंडली भी है। तो ये वीडियो लास्ट तक ही देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको इस कॉलेज की स्पेसिफिकेशन और जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती है कॉलेज, एजुकेशन से अलावा रहने में दिक्कत जो भी होती है और क्या फैसिलिटीज़ है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980 में हुआ था, तो इनके पास सोच ही सकते हो मोर देन 100 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.8 ईयर का है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, और ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। बहुत सारे जो कॉलेज हैं जो क्लेम तो करते हैं कि इंग्लिश मीडियम है, लेकिन उनके टीचर को ही इंग्लिश नहीं आता, उनके पास नॉलेज होने के बावजूद भी वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। इसके बाद में क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा है, जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 5 अकेडमी, 6 कॉलेज और 6 इंस्टीट्यूट आते हैं। उसमें से वन ऑफ जो हमारा जो मेडिकल अकेडमी है, जो वन ऑफ द उसके अंदर आता है। और उसके बाद में मैं बताऊं इसका लोकेशन, तो ये सिम्फेरोपोल सिटी, जो कैपिटल सिटी ऑफ क्रीमियन स्टेट है, वहाँ लोकेटेड है। तो मैं आने की सबसे पहले बताऊं कि आप कैसे आओगे वहाँ पे। यहाँ पे तो सबसे पहले आप इंडिया से मॉस्को आओगे, 6.5 आर का लगता है आने में वहाँ पे। उसके बाद में मॉस्को टू क्रीमिया और सिम्फेरोपोल में आने में 2.5 आवर्स लगते हैं। तो ये होता है जैसे आप कैसे आओगे। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, कि जैसे ये 2014 से पहले ये यूक्रेन का पार्ट था, अभी आफ्टर 2014 ये रशिया का पार्ट है। तो बहुत इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी आपके जो क्वेश्चन होंगे मन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो फैसिलिटीज़ है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद में क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, और इसमें आपको ये एक्चुअल फ़ी भी बताऊंगा मैं आपको, तो लास्ट तक देखना। और कितने मैक्सिमम फ़ी लगते हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराते टाइम, वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहें। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की रिगार्डिंग, तो ये 3 लाख रूबल है, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंसी से पूछते हो तो डॉलर में बताता है, और आपको डॉलर इंडिया में परचेज करना पड़ता है, उसके बाद में उस डॉलर को आप यहाँ के सेल करते हो रूबल में, और रूबल में ही यूनिवर्सिटी को फ़ी पेमेंट करते हो। तो मैंने आपको डायरेक्ट रूबल में बताया 3 लाख रूबल है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो 6 ईयर का टोटल जो बजट होता है 24 to 25 लाख होता है, इससे ज़्यादा ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो कितना एक्सपेंस करता है। उसके बाद में इसमें इंक्लूड होता है ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी, और उसके बाद में आपका जो डेली जो खर्च है आपके, वो आपके ऊपर थोड़ा बहुत, उसी लिए मैंने फ्लेक्सिबल रखा, उसमें 1 लाख 2 लाख ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और अगला बात बताऊँ तो मोस्ट जो बताने वाली बात है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कितना खर्च होता है, तो मैं बताऊं आपको कि अगर 5.4 लाख से ज़्यादा नहीं लगता है, अगर इससे ज़्यादा कोई, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साउथ इंडिया से, वो 10 लाख दे के आए हैं, तो इसमें क्या क्या होता है अगर जो 5.4 लाख अगर कोई चार्ज कर रहा है तो क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका ट्यूशन फ़ी इंक्लूड होता है, हॉस्टल फ़ी इंक्लूड होता है, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा एक्सटेंशन है, उसके बाद में टिकट भी इंक्लूड हो जाता है, अगर इतने में सारा चीज़ इंक्लूड हो जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा कोई चार्ज कर रहा है आपको, तो सोच ही सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, अगर क्वेश्चन हो, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको जैसे एडमिशन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होने वाली चीज़ों में, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, स्पोर्ट्स में जैसे इंटरनल जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो बहुत सारे जो कोर्ट हैं, जो बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारे, जो वहाँ हर गेम आप खेल सकते हो। और इंडियन स्टूडेंट के लिए स्पेशली इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है, ये देख सकते हैं क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे इंडियन ज़्यादातर पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट ये कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए हर चीज़ इक्विपमेंट अवेलेबल कराते हैं जो इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे बनता नहीं है क्रिकेट, यहाँ के लोग खेलते नहीं, तो इंडिया से सामान मंगाते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट बैट, स्टंप और बॉल भी। और उसके बाद में भी ये इंडियन कल्चर को भी, जैसे आपको मौका देते हैं कि इंडियन कल्चर भी शो करने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स, जैसे आप अंदर स्पोर्ट्स में आपको बताऊँ तो आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सारा चीज़ यहाँ खेल सकते हो, इवन स्विमिंग भी कर सकते हो आप, स्विमिंग का भी यहाँ पे कोर्ट है, तो स्विमिंग अंदर है इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो सर्दियों में ना बर्फ पड़ता है, तो यहाँ जो भी इंडोर गेम ज़्यादा है, तो सारा चीज़ है, आपको कोर्ट का जो फोटो वोटो जो भी लगा के दिखा दिया जाएगा, आप वीडियो में देख सकते हो कि हर चीज़ के बाद में फ़ोटो दिखाया जाएगा आपको।
अब हम बात करते हैं खाने से संबंधित। यहाँ पे आप या तो मेस ज्वाइन कर सकते हो या सेल्फ कुकिंग। तो मेस के लिए मैं मेस बताता हूँ, या नमस्ते कैफे है जो एग्जैक्ट हॉस्टल के बगल में ही है। तो इसका चार्ज होता है $100 से $120 पर मंथ। तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा मेस है। यहाँ पे इंडियन फूड मिलते हैं, इंडियन कुक भी है। तो जितने भी आपको दिक्कत हो कि जैसे शुरू शुरू में बच्चे आते हैं उनको दिक्कत होता है, सेल्फ कुकिंग नहीं आती हो, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप ये मेस। ये जस्ट बगल में है, दोनों तरफ देख लीजिए, ये इस साइड भी हॉस्टल ही है, ये भी आपको एक हॉस्टल है। ये हॉस्टल नंबर फर्स्ट है, जैसे इस तरफ है हॉस्टल नंबर फोर्थ है, उसके जस्ट सामने हॉस्टल नंबर फिफ्थ है। तो जस्ट पास में ही आपको जस्ट कॉलेज में और हॉस्टल के बीच में इतना ज़्यादा सुटेबल जगह पर मेस है कि आपको ज़्यादा दूर उतर के और नीचे खाना खा लेना है, ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं आपको यहाँ। अब हम बात करते हैं हॉस्टल के रिगार्डिंग। तो जस्ट मैं इन फ्रंट ऑफ फिफ्थ हॉस्टल के सामने ही खड़ा हूँ, और उसके पीछे आप देख ही सकते हैं एक नया क्लिनिक खुला है, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे 7 हॉस्टल हैं और जो भी अराउंड लगभग सभी यूनिवर्सिटी के पास में ही है। यहाँ पे टू टाइप के रूम हैं, ये एक तो 2-सीटर है और एक 3-सीटर है। दैट मीन आपको या तो 3 बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा या 2 बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा। और इसके जो कॉस्ट है अराउंड 15,000 से लेके 60,000 के बीच में ही है। तो आप जो भी आप अपने सुटेबल अनुसार आप जो भी फर्स्ट ईयर के बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो वहाँ रह सकते हो। और इसके बाद में आपको मैंने बताया हूँ कि हॉस्टल जो मेस है वो जस्ट नीचे ही है, तो ज़्यादा खाने वाने जाने की दूर भी दिक्कत नहीं। अगर आपको खाना बनाने नहीं आता हो तो आप मेस ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको हॉस्टल के रिगार्डिंग अगर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो हमने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, लिंक ऊपर दिया गया है। और वीडियो का वो जो कोने में दिख रहा हो आप उसे क्लिक करके देख सकते हो पूरा हॉस्टल के बारे में। ये रही हमारी वीडियो प्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर का जो चार्जेज है 5.4 लाख में सारा चीज़ कवर हो जाता है, उसमें ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी और उसके बाद में टिकट और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा कवर अप हो जाता है। अगर इसके बावजूद में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।